तो हाँ भाई, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे Realme 9 Pro एंड Redmi Note 11 Pro स्मार्टफोन के फुल कंपैरिजन के बारे में। जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में, तो वीडियो को जरा भी स्किप मत करना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के डिस्प्ले के बारे में। तो दोनों के साइज़ की बात करते हैं तो आपको 6.6 इंचेस का दोनों में आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। एंड डिस्प्ले टाइप की बात करें तो आपको Realme 9 Pro में IPS डिस्प्ले मिलती है एंड Redmi Note 11 Pro में सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। रिफ्रेश रेट की बात करते हैं तो आपको दोनों में 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। 400 पिक्सल की आपको पिक्सल डेंसिटी देखने को मिल जाती है। बॉडी रेशो की बात करते हैं तो 84.4% का आपको Realme 9 Pro में मिलता है एंड 86% का Redmi Note 11 Pro में मिलता है। एक्सपेक्ट रेशो की बात करते हैं तो आपको 20:9 का एक्सपेक्ट रेशो देखने को मिल जाता है एंड Redmi Note 11 Pro में आपको गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन दिया जाता है। तो देखा जाए तो यार, आपको Redmi Note 11 Pro में डिस्प्ले अच्छी देखने को मिलती है। अब बात करेंगे दोनों के परफॉर्मेंस के बारे में। दोनों स्मार्टफोन में आपको 2.2 GHz का Snapdragon का 695 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है एंड दोनों का अंतत्व स्कोर की बात करें तो 400,000 के करीब दोनों का अंतत्व स्कोर आता है। अब स्टोरेज की बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के, तो आप दोनों स्मार्टफोन में आपको 6GB एंड 8GB की रैम देखने को मिलती है एंड 128GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलती है। दोनों में आपको UFS 2.2 की स्टोरेज देखने को मिलती है। दोनों ही स्मार्टफोन में आपको LPDDR4X रैम का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। दोनों ही स्मार्टफोन में आप 1TB तक स्टोरेज एक्सपेंड कर सकते हो। देखा जाए तो दोनों ही स्मार्टफोन में स्टोरेज के मामले में आपको कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के कैमरेज के बारे में। तो Realme 9 Pro में आपको ट्रिपल कैमरा देखने को मिलता है 64MP, 8MP एंड 2MP का। एंड दूसरे Redmi Note 11 Pro की बात करते हैं तो आपको ट्रिपल कैमरा देखने को मिलता है 108MP, 8MP एंड 2MP का। एंड दोनों स्मार्टफोन से आप 4K में रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। दोनों ही स्मार्टफोन में आपको AIS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। एंड ओवरऑल देखा जाए तो Redmi Note 11 Pro में आपको कैमरा अच्छा देखने को मिलता है Redmi 9 Pro के अकॉर्डिंग। अब दोनों स्मार्टफोन के सेल्फी कैमराज की बात करते हैं तो आपको दोनों में 16MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। अब दोनों स्मार्टफोन के बैटरी की बात करते हैं तो दोनों में आपको 5000mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। दोनों स्मार्टफोन में आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है बट Redmi Note 11 Pro में आपको 67W का चार्जर देखने को मिलता है। दोनों में आपको वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट नहीं मिलता। मोर फीचर्स की एंड बात करते हैं तो आपको दोनों स्मार्टफोन में आपको 12 5G का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। ब्लूटूथ 5.1 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। NFC का सपोर्ट ओनली Redmi Note 11 Pro में मिलता है। USB Type-C आपको दोनों में स्मार्टफोन में मिल जाती है। एंड आगे बात करते हैं 3.5mm जैक की तो आपको दोनों में मिल जाता है। एंड फिंगरप्रिंट स्कैनर की बात करें तो आपको दोनों में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के प्राइस के बारे में। Realme 9 Pro का बेस वेरिएंट 6GB एंड 128GB 18,000 रुपये में मिलता है एंड Redmi Note 11 Pro का 6GB एंड 128GB का बेस वेरिएंट 20,000 रुपये में आपको देखने को मिलता है। बट आपको यार फीचर्स Redmi Note 11 Pro में अच्छे देखने को मिलते हैं Realme 9 Pro के अकॉर्डिंग। तो मेरे हिसाब से आपको 2,000 रुपये ज़्यादा देके Redmi Note 11 Pro परचेस कर लेना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर आपको कोई सवाल हो तो हमें नीचे कमेंट में बताएं।